फटाका तो ऐसे फोड़ रहे थे, देख रहे रोड पे चिंगारी रोडे पे आके गिर रहा है। थोड़ा देर पहले तो कैमरा जब ऑफ था, देखे कहाँ गिरा, राइट साइड में पूरा गुट्टा का गुट्टा बेटा एक जन के घर में गिर गया था। देखा कैसे गिर रहा रोड पे यार। वो लड़की को देख रहे, एक सेकंड दिखाता हूँ, लड़की का पूरा चुनरी बेटा जाने वाला, गला में फंस के बेटा ये हो जाएगा लड़की का। उसको बोलना पड़ेगा, मुड़ गया क्या सेंट्रम जा रहा, उसको बोलना पड़ेगा। देखा देखा देखिए चुनरी देखी कहाँ फंस रहा, देखा देख एक घुसा 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 एक घुसा 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 टायर में यार, इसको बोलना पड़ेगा। एक समय स्पीड कर रहा है यार, ऐसे गाड़ी चला रहा ना किसका ही बताया। अरे गई चुनरी देखे हम जाने वाला अंदर, बोल ही देते यार फट देख। ए गया गया गया, अरे यार गला में फंसेगा, देखे कैसे फांसी का जैसा। ओ भाई चुनरी चुनरी पूरा अंदर घुस जाएगा। चलिए बता दिया यार, यार क्या ही बताया, अंदर घुस जाता पूरा एकदम। सो गाइस, अरे यार कॉल आ गया था बीच में अर्जेंटली, तो मेरे को ये करना पड़ा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना डल आवाज़ मतलब वॉइस के बात क्या कर रहा है। ये देखिए जो थक जाता है ना ज़्यादा, वही ऐसा करके बात करता है मजबूरी में, बस वही आप लोग समझ जी, जो ज़्यादा थक जाता है। अब थकना भी देखिए बहुत तरीका का होता है, एक थक थक के खट खट के थकना होता है और एक मेंटेलिटी थकना होता है, ठीक है। तो अभी वही थोड़ा सा प्रेशर में हूँ दिमाग से, वही यार क्या ही बता, क्या ही लाइफ जो चल रहा है, दिमाग खराब हो रहा। चलो एक जगह बैठे 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 बोर हो गया हूँ, बाहर कहीं ट्रिप व्रिप में मज़ा भी आया, थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो, चैनल और थोड़ा सा मतलब ये पैसा एक बार आ जाए पेमेंट वगैरह तो उसके बाद से तो और अच्छा से मज़ा ही मज़ा। बस आप लोगों का सपोर्ट है यार, तो कैमरा भी लेना है उसके लिए भी हेडेक है मेरे को भी, क्योंकि कैमरा भी लेना है मेरे को। ये कैमरा तो है ही, काम अच्छा से चल ही रहा है, लेकिन बड़ा हेडेक मेरे को है ना कि मेरे को अभी कैमरा लेना है। ये कैमरा भी मैं लिया था, पूरा प्राइस मैंने लिया था, ईएमआई पे लिया था, तो इसका हो चुका ईएमआई। मोबाइल धोखा दे दिया था, मतलब बहुत चीज़ धोखा मिला वो पहले पिछला साल, तो समझ लिया अच्छा खासा खर्चा हो गया। तो वो कैमरा था उसको ईएमआई पे लेना पड़ा, उसका ईएमआई भरते भरते हालत ख़राब हुआ, ठीक है। प्लस मोबाइल जो था मेरा, अब आप लोग खुद सोचिए, आप लोग 45,000 रुपये का मोबाइल ख़रीदे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का मोबाइल एकदम 13 मंथ चला, 13 मंथ 13 महीना के बाद ख़राब, बिना कुछ पटका पटकी किए, ना पानी में डुबाए, बिना बिना मतलब कुछ बिना किसी मतलब ऐसा आपका ख़राब। तो आप लोगों को सोचिए आपका कितना दिमाग ख़राब होगा, आप लोग जस्ट इमेजिन कीजिए, समझे। तो बस वही आप लोग समझ जाइए। तो फिर वो मोबाइल ख़राब हुआ तो मेरा जो पूरा पूरा मतलब समझिए ना, पूरा दुनिया हिल गया सर खोपड़ी का, बताइए। ज़्यादा हुआ भी नहीं था मोबाइल का, कितना 12 महीने का अंदर भी होता ना वारंटी रहता, तो एकदम अखड़ नहीं मारता वो, मतलब एकदम ये हो गया, मतलब एकदम फालतू तरीका से हो गया। 13 महीना में एक डॉट ख़राब हुआ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया यार। हाँ 13 महीना में हुआ, मेरा पूरा दिमाग ख़राब हो गया, खोपड़ी पूरा एकदम ये हो गया पूरा, जो मेरा मूड मिजाज ख़राब हुआ ना क्या ही बताया। किसी का भी होगा यार, इतना मेहनत से मोबाइल लिया, कुछ सोच के कंटेंट क्रिएट करना है, बनाना है, एडिटिंग भी उसी में करना है मेरे को, मतलब इतना कुछ काम था यार, बताइए खराब। मोबाइल EMI का फ़ोन था, जैसे साला EMI का एकदम चुतिया फ़ोन होता है, अभी देना ही नहीं चाहिए साला को EMI का फ़ोन। एक सैमसंग का फ़ोन है, देखिए सैमसंग का फ़ोन सब सही रहता है, A50 था, कितना तगड़ा चला साला, ये मोबाइल एकदम धोखा दे देता है यार भाई, ये चाइनीज़ साला, चाइनीज़ का बच्चा लो साला, कैसा मोबाइल इन्वेंट करता है क्या ही बताए। दिमाग ख़राब हो गया यार, किसी का भी पैसा कोई पेड़ पे तो उगता नहीं है ना, सब मेहनत करके ही कमाता है, उतना कमा, वो भी EMI पे था मोबाइल, समझे, वो वाला भी EMI पे ही मैं खरीदा था, उसका EMI भी भरा गया था 13 मंथ में, 13 महीना जैसे घुसा वैसे मोबाइल खलास ऑफ बंद। अब पता चल रहा है कि उसका मदरबोर्ड चेंज करना होगा, मोबाइल का एक एक पार्ट से ही मदरबोर्ड चेंज करने में खर्चा आप लोग समझ पता ही है कितना भयानक होगा। 45,000 रुपये का मोबाइल, मदरबोर्ड का दाम 21,000 रुपया, अरे 21,000 रुपये में दाम है ना, 18,000 16,000 17,000 15,000 तक में भी मेरे को सेकेंड हैंड वैसा फ़ोन मिल जाएगा, सेकेंड हैंड। अब साले 21,000 डाल के मैं मदरबोर्ड लेकर के मोबाइल में उसमें डालूँ, अब बताइए अखड़ नहीं मारेगा वो। इसका EMI पे लिया था, उसका किया, वो बोला था दुकान वाला कि उसका ये करवा लीजिए, इंश्योरेंस करा लीजिए, 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो बन जाएगा। मैं नहीं करवाया था, पैसा का कमी था, मैं क्या ही कराऊँ, तो ऐसा ऐसा सिस्टम था। अब साला जो हुआ मोबाइल का प्रॉब्लम जो ख़राब हुआ मेरे को हालत ख़राब, अब उसको ये करके फिर मेरे को EMI पे एक मोबाइल लेना पड़ा, ठीक है, एक मोबाइल EMI पे, तो उसमें फिर से मेरे को था, अभी उसी से मैं बना रहा हूँ सब वीडियो वगैरह सब कुछ वगैरह शूट वगैरह उसी से कर रहा हूँ। EMI वो भी EMI, उसका भी EMI पेड करना बचा हुआ है, वो भी पेड हो रहा है। मेरे को एक कैमरा का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये थोड़ा सा जो रहता है और क्वालिटी वगैरह थोड़ा इंक्रीज़ हो सके, देखते हैं कैमरा कब ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी भी है कैमरा। एक देखिए एक मोबाइल का तो हो ही गया अपना सही से, एक कैमरा भी बहुत ज़रूरी है, कहीं कि हेलमेट में वगैरह में लगाया हुआ, एक एक होता है ना कहीं पर कुछ शूट करने के लिए गए थे कि मोबाइल एक कैमरा अलग हो गया। एप्पल का मैं नहीं जाऊँगा, आईफोन में मैं नहीं जाऊँगा, कहीं देखिए
आईफोन में जुगाड़ वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। एंड्रॉयड में ना आईओएस में उतना जुगाड़ नहीं लगता है, लेकिन एंड्रॉयड में बहुत जुगाड़, बहुत तरीका का चीज़ हो जाता है, ठीक है। मान के चले कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, उसको क्रैक सॉफ्टवेयर मेरे को चाहिए, मंथली 5,000 रुपये देने का, अभी मेरा उतना नहीं कि 5,000 रुपये दे दूँ, ठीक है। तो क्रैक मेरे को मिल जाता है, तो उसी से मैं आराम से अच्छा खासा काम चल ही जाता है, 5,000 रुपये फ्री में हो जाता है, 5,000 रुपये का काम। तो क्या है मैं झूठ का करूँ बताइए, आप ही लोग सोचिए, किस लिए झूठ का मेरे को क्या ज़रूरत पड़ा ये करने का, झूठ का मैं किस लिए करूँ जब मेरा काम वही जा रहा है, 5,000 रुपये मंथली पे करके। अभी जब अपना इनकम आएगा आईफोन का, तब का तब देखा जाएगा, लेकिन आईफोन से जो मेरे को ना एंड्रॉइड ही लगता है। आईफोन का कैमरा है, एंड्रॉइड का भी कम नहीं है, एक एंड्रॉइड का भी तो देख रहे, सैमसंग X22 अल्ट्रा, X23 अल्ट्रा भी निकल गया, क्या तगड़ा फीचर निकला यार, मतलब बेस्ट फ़ोन है साला। DSLR का उसका मतलब उसमें ऐसा मिल जा रहा है। अब बताइए DSLR में क्या रहता है, बहुत दामी DSLR लीजिएगा तो आप लोगों को थोड़ा अच्छा सा वीडियो स्टेबल भी रहता है, ठीक है। उसमें हिलता मतलब शेकिंग कम होता है, और नॉर्मली जैसे लीजिएगा 35,000 50,000 इसमें थोड़ा सा हिलता है DSLR में, तो आप लेंस का दाम लग जाता है, बहुत चीज़ लगता है यार, है ना। तो उससे अच्छा भाई मोबाइल ही ठीक है मेरा, अभी तो सब लगभग जितना भी यूट्यूबर लोग सब मोबाइल ही एप्पल का ले ले रहे हैं, उसी से अपना शूट कर रहे हैं, उनको आदत हो गया ना मेन बात, तो अपना उसी से कर रहे हैं। एक एप्पल का लोगों को पब्लिक देखता है, मतलब सबका तो अट्रैक्शन होता है, उसके लिए ठीक लगता है थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई मेरे को खाली काम निकालना है, कैमरा अच्छा क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी हो, अच्छा खासा कंटेंट अच्छा से बना सके, एंड अपना हिसाब से का वो पेड सॉफ्टवेयर हो चाहे क्रैक सॉफ्टवेयर हो अपना यूज़ कर सके अच्छा से, तो बस वैसे हिसाब से मेरे को मतलब चाहिए। तो वो एंड्रॉयड में मेरा पॉसिबल है, तो एंड्रॉयड में मेरे को है ना, अब जो मोबाइल लूँगा EMI पे देखते हैं, आप लोगों को साथ रहा था एक डायरेक्ट नया मोबाइल उतारूँगा आप लोगों के साथ रहा, तो फिर EMI में फिर देखते जैसा होता है। अभी तो कैमरा और मोबाइल में कन्फ्यूजन करके कि मेरे को लेना होगा अर्जेंटली, ये कैमरा भी ठीक है बेस्ट ही है, ठीक है। तो लेकिन एक कैमरा मेरे को मतलब कैमरा मतलब क्या है ना, गोप्रो में सोच रहा हूँ 9 या 11, 11 का दाम बहुत है, 9 थोड़ा सा बजट में आ जाता है, तो वैसे ही थोड़ा सही रहता है। अगर 9 अभी अगर लेता हूँ 9 तो 9 भी सही रहेगा, कहे कि ज़्यादा मतलब कुछ नहीं, क्वालिटी अच्छा आएगा, तो ये सही रहता है। एडिटिंग वगैरह तो मैं मोबाइल से कर लेता हूँ, कभी कभी लैपटॉप में देखे बहुत झमेला लगता है मेरे को, लैपटॉप लेकर बैठना पड़ता है, मोबाइल में कहीं भी मैं बस लगा लेता हूँ हेडफोन ईयरफोन अपना स्टार्ट हो जाता हूँ एडिटिंग करना। लैपटॉप में फिर हर जगह लेके जाओ ये करो वो करो, अभी पॉसिबल नहीं है वैसा। लैपटॉप का भी अलग सॉफ्टवेयर का चार्ज लगता है, मंथली सिस्टम है ना, तो लैपटॉप में भी तुम्हें क्या ही ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए, छोड़िए मोबाइल ही अच्छा अपना बेस्ट, अच्छा खासा हो जाता है एडिटिंग वगैरह सब अच्छे से कर सकता हूँ, बस वैसे ही चलते रहता है। अब आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो कैमरा भी ले पाऊँगा अच्छा से, कोशिश रहेगा यही कि EMI की जगह डायरेक्टली पेमेंट देके ले सकूँ, थोड़ा सा करिए यार आप लोग सपोर्ट। आवाज़ इसीलिए मेरा थोड़ा इसे अभी ये टेंशन से कि मेरे को तो क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करना है, ये भी करना है, इधर EMI भी मैं भर ही रहा हूँ, EMI भराएगा तो फिर देखना पड़ेगा कुछ जुगाड़, बस ऐसे ही अभी चल रहा है ज़िंदगी, पेमेंट अभी आया नहीं है। आप लोग का अच्छा खासा साथ रहेगा तो अच्छा खासा पेमेंट जो होगा वो भी जनरेट हो जाएगा, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा ध्यान देते रहिए हमारे ऊपर भी, यही था गाइस, दुख दुख खत्म कहीं को नहीं होता यार। आप लोग सब्सक्राइब करते कमेंट करते थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बहुत बड़ा, तो और अच्छा से हम लोग कर सकते हैं, मेहनत वगैरह करने का भी थोड़ा अंदर से एनर्जी आता है कि नहीं और सर मेहनत करना और अच्छे से करना है, तो अच्छा लगता है थोड़ा, ऐसे सपोर्ट करते रहिए दिल खोल के, एक ही जगह होती है थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसी के लिए मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी रख के पैदल चलते चलते ब्लॉक करने में मज़ा आता है, ट्राईपॉड वगैरह लाया नहीं, वो लाइट वैसा नहीं है कि मतलब वैसा करके करो, मंदिर तो बहुत अच्छा लग रहा है बताइए, जो इतना शांत माहौल में मंदिर, अब साथ में घंटी अंदर गया हो, क्या ही फीलिंग यार, एकदम शांत माहौल, एकदम शांत, दूर दूर तक देखिए एकदम शांत माहौल, एकदम शांत, बगल में मंदिर, मंदिर का घंटी जो दिल को सुकून लगता है ना यार, कान में जो घंटी का जो साउंड जाता है ना अंदर से एकदम सॉलिड हो जाता है। ग्राउंड देख रहे, ग्राउंड देखिए, ये पूरा ग्राउंड यार बहुत ज़बरदस्त है, बहुत रोड का देखिए, अंदर नहीं रोड का इस तरह बैठिएगा, लाइट वगैरह जहाँ पे रहता है वहाँ तक तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, और देखिए दूर दूर तक देखिए एकदम ज़बरदस्त लग रहा, रोड तो एकदम झकास रोड लग रहा, लाइट वगैरह भी आराम से आकर के फ्रेंड लोग चिल कर सकते हैं, चिल मतलब बातचीत हो गई सब, लंथन ने दारू ड्रिंक ये सबसे तो मैं दूर ही रहता हूँ, ना ही भी सबको मैं बोलता हूँ कि अच्छा है ये वो, बहुत ही अच्छा है घर सब यहाँ पर एक से एक है, खैर देखते हैं वन बाय वन करके अपना सब होगा लाइफ में आगे बढ़ते रहेगा। गजब को लग रहा है यार, लाइट तो ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम शांत रोड एकदम शांत, और यहाँ पे कुछ था क्या, अच्छा गोईठा वगैरह वो ये सब घेर लिया है खजूर वाला तो पत्ता से, और गोईठा अंदर में अपना अपना जिसके पास वो लोग ये करके रखा गोईठा को, और यहाँ रास्ता भी है जाने का अंदर में, गाड़ी का लाइट जो जल रहा है अंदर रास्ता है, कच्चा रास्ता है, अच्छा लग रहा है यार रोड तो ज़बरदस्त है। लुक एट दिस यार, ये अपना आसनसोल सिटी है,
इतना ब्यूटीफुल लग रहा है नाइट के समय में भी। यहाँ से ज़मीन वमीन सब है सबका, जो खरीदा हुआ घर वगैरह भी बन रहा, फ्लैट अपार्टमेंट वगैरह भी सब बन रहा, खजूर के पेड़। इधर अंदर तरफ तो और भरती है, बाप रे एक लाइन से गुड़ वाला सब है यार। अब तो अगला सालाना होगा इधर ही वीडियो बनाने के लिए, एक लाइन से मस्त वीडियो निकलता। सुबह सुबह आके अगर वीडियो करेंगे तो अच्छा खासा वीडियो निकलेगा, एक लाइन से वो पूरे जंगल में देखिए जहाँ एकदम सब जगह खजूर का ही पेड़ है। इधर भी खजूर का पेड़ ही था, कैसे गुड़ निकलता होगा, परमिशन लेके अगर अंदर जाता होगा। गजब का सब जगह खजूर का ही पेड़ है, देखिए पूरा भरती देखिए इधर, देखिए इधर पंडाल उडाल है इधर, इधर देखिए पूरा इधर भी बाउंड्री का उस तरफ। ये लोग मतलब खजूर जो है यहीं से लोग पूरा एक लाइन से बैठा हुआ था गुड़ के लिए। अब आएंगे नेक्स्ट ईयर इधर ही आएंगे, अच्छा से ब्लॉक के लिए ब्लॉक शूट करेंगे बनाते हुए ये कैसा रहता है। पानी में पिया हूँ वैसे, जो खजूर का जो पानी रहता है जो इसे गुड़ वैसा करके बनाता है, ठीक है गुड़ वाला पानी पिया हूँ, लिक्विड जो पानी रहता है उसी से ये करता है। तो अजीब थोड़ा लगा लेकिन ठीक है अच्छा था। ये देखें एक लाइन से खजूर के पेड़ इधर ही मतलब पूरा भरा पड़ा आसनसोल में, देखिए एक लाइन से आपको कहीं बताया मतलब दूर दूर तक खाली खजूर का ही पेड़ है, दूर दूर तक। यहीं से लोग ये करके रस निकाल के गुड़ को बना के सेल करते थे, देखिए एक लाइन से दूर दूर तक मतलब जहाँ तक आप लोग आँख जाएगा वहाँ तक खजूर का पेड़ है। इधर भी देखिए इधर तो पूरा अंधेरा लेकिन दिखाई दे रहा यानी कि दूर दूर तक, इसका अंदर बाउंड्री के अंदर भी, और देखिए उधर भी, अरे बाप रे यहीं से मतलब खजूर ये लोग ये करता है उधर भी। अच्छा नेक्स्ट टाइम आएंगे इधर ही, अच्छा से जब बनेगा तब आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए शूट करके आप लोगों को देंगे, तो आप लोग देखिएगा। फिर एकदम दूर दूर तक भरा पड़ा। तो गाइस आई होप आपका ये ब्लॉग आप लोग को थोड़ा अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड सॉरी अगर आप लोग बोर हो गए हो ये ब्लॉग से, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा यार, आपको प्लीज़ सॉरी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी अदर प्लेस पे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।